तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग फिर से मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मस्त, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ प्रोजेक्टर। तो फ्रेंड, मैं अभी घर पर अकेला हूँ, मेरे साथ अभी कोई नहीं है और मेरे पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, तो एक लड़का प्रोजेक्टर बनाता है और उससे बड़े स्क्रीन पर फिल्म देखता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक प्रोजेक्टर से बनाऊँ, प्रोजेक्टर बनाऊँ और उसके बाद से फिल्म देखूँ। तो चलिए प्रोजेक्टर हम भी बनाते हैं और साथ में मिलकर फिल्म देखेंगे। तो मैं प्रोजेक्टर बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो लेकर आता हूँ और उसके बाद बनाएंगे। तो मैं सामान लेकर आता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्टर बनाने के लिए जितना सामान चाहिए था वो सब मैं ले आया हूँ। तो बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, प्रोजेक्टर बनाने के लिए जो पहली चीज़ हमें चाहिए वो है ये बल्ब। ये आपको दुकान में 10 रुपये में मिल जाएगी, पहले मिलता है पीले रंग में जलता है ये वाला बल्ब। तो एक ये चाहिए होगा और इसको रखने के लिए छोटा सा मैं स्टैंड टाइप का कुछ लेके आया हूँ। और ये जूते का डिब्बा, इसे हम लोग बनाएंगे। और ये बहुत सारे मेरे पास पेचकस है जिसे हम लोग इसके बल्ब के अंदर को तोड़ देंगे और फिर उसके बाद बनाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले बनाना शुरू करते हैं और पहले बल्ब को तोड़ते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये बल्ब है और अभी इसके ऊपर वाला इस वाले हिस्से को हम खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर से खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर का पूरा सामान तोड़ लिया है और ये पूरी तरह से साफ हो चुका है अंदर से। हम इसको पहले पानी से साफ़ कर देंगे, इसमें पानी डालेंगे। चलिए इसे पानी डालते हैं, उससे पहले हम लोग बना लेते हैं अपना बोर्ड में इसका आकार का छेद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हम भी इसके अंदर इसके आकार का छेद करने वाले हैं। तो हम लोग पहले पेन से इसको मार्क कर लेते हैं। तो चलिए इसको पेन से हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं और ये हो चुका है मार्क। इसे इसे हम ब्लेड से काट लेंगे। तो फ्रेंड, मैंने अभी मार्क कर लिया है, तो इसे अभी काटना शुरू करते हैं। मेरे पास ब्लेड नहीं था, मैं चाकू से इसे काटने वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसे अभी काट लिया है, इसके अंदर अभी बल्ब फिट करेंगे। तो बल्ब को रखने के लिए मैंने ये लाया हुआ है। तो हम इस तरह से बल्ब को रख सकते हैं। तो ये वाला बल्ब जिसमें मैंने तोड़ा था, हम इसे इस तरह फिट करने वाले हैं। चलो फिट करते हैं, उसके बाद इसे पानी भरेंगे। तो इसके अंदर हम इस तरह रख लेंगे और फिर इसे ग्लू से चिपका देंगे। ये हो चुका है फिट। और इसके बाद इसमें हम एक मोबाइल रखने के लिए बनाएंगे। तो बल्ब हो चुका है साफ, अब इसमें हम डालेंगे पानी। आप देख सकते हैं इसमें पानी डाल चुका है और इसके बाद हम इसके अंदर से लगाने वाले हैं। चलिए लगाते हैं। तो ये लग चुका है अंदर। अब हमारा जो प्रोजेक्टर है वो तैयार हो चुका है। तो हमें इसमें एक छोटा सा फ़ोन लगाना होगा, तो मैं अपना जियो फोन इसमें लगाऊंगा, फिर उसमें का जो फिल्म है हम लोग बड़े स्क्रीन पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फिल्म देखते हैं। जब तक हम मोबाइल लाते हैं तब तक मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ और आप ये देख सकते हैं कि ये दिखाई कैसे दे रहा है। और मोबाइल लेकर आता हूँ, उसके बाद हम लोग इसे। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास एक और चीज़ है, ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए थोड़ा कैमरा, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये शिव जी जैसे दिखने वाले दो चुंबक हैं। तो एक को अगर मैं इसे घुमाऊँ तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक रिएक्ट करता है। तो ये देखिएगा, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्टर बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इससे आप फिल्म देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हो चुका है हमारा प्रोजेक्टर तैयार, चलिए इसे टेस्ट करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले करते हैं लाइट को ऑफ। तो फ्रेंड्स, हो चुका है हमारा प्रोजेक्टर तैयार, चलिए इसे टेस्ट करते हैं। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ तो आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्टर वर्क कर रहा है, देख सकते हैं मेरा वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्टर वर्क कर रहा है और मेरा एक फिल्म आपको डांस लड़के को डांस करते हुए दिखाई दे रही होगी। तो हमारा प्रोजेक्टर हो चुका है कंप्लीट और हमने वीडियो भी देख ली है। तो अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक मार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, चलिए बाय।